आज हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म जो है पाए जा रहे हैं इस अर्थ पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो फाउंड हैं या जो पाए जा रहे हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट को हम लोग हिंदी में आकारिकी भी बोलते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट या अन्य जो उनके अंदर लक्षण जो पाए जा रहे हैं, उनके संबंधों में समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रुप में बांटा गया है। और ये जो ग्रुप में बांटा गया है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है, इसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि जानवर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके रिलेशन के आधार पर, आपसी लक्षणों के या रिलेशन के आधार पर हम उन्हें एक ग्रुप में बांटते हैं। तो ये जो ग्रुप में बांटने की प्रक्रिया है, जो सिस्टमेटिक है, जो साइंटिफिक है, उसे ही हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आप समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वर्ड आया है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आया कैसे है। तो जब जीवधारियों के वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की अगर बात होती है, तो एरिस्टोटल के बारे में आप जानते भी हैं। एरिस्टोटल के बारे में मैंने इसके पहले बताया था कि उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। एरिस्टोटल के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो है आपका एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप, दो में इन्होंने किया था, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप के रूप में एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने सबसे पहले पादप जो होते हैं, प्लांट ग्रुप, पादप ग्रुप, पादप समूह और जंतु समूह में दो भागों में बांटा था। इसी के कारण जो होता है, और उसके बाद हम आते हैं कैरोलस लिनियस के तरफ। जो कैरोलस लिनियस हैं, उन्होंने उसी चीज़ को कहा जो एरिस्टोटल के द्वारा या अरस्तु के द्वारा जो एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप में बांटा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट किंगडम बोला, प्लांट ग्रुप को नहीं बोल के प्लांट किंगडम बोला, और जो एनिमल थे उनको उन्होंने एनिमल किंगडम बोला। और इसी के कारण कैरोलस लिनियस को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जनक भी मानते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो कैरोलस लिनियस जो होते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के पिता माने जाते हैं। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी बनी है, उसका जो अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो कैरोलस लिनियस को जाता है। इन्होंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को दो भाग में डिवाइड किया गया। तो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है, तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, जो विटकर के द्वारा दिया गया है, विटकर के द्वारा आपको दिया गया है जीवधारियों के वर्गीकरण में, विटकर जो फाइव किंगडम दिए गए हैं, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विटकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन बहुत ही पॉपुलर भी हुआ है। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, वो विटकर के द्वारा 1969 में दिया गया था। जो ये है, ये विटकर के द्वारा 1969 में दिया गया है। और इनमें इन्होंने क्या किया है, पांच जगत प्रणाली इन्होंने लिया है, फाइव किंगडम इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कि आपने देखा कि एरिस्टोटल ने सीधे प्लांट और एनिमल में बांट दिया है, कैरोलस लिनियस ने प्लांट और एनिमल किंगडम दो भाग में बांट दिया है। लेकिन विटकर के द्वारा 1969 में फाइव क्लासिफिकेशन किया गया था, और इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है उसको उन्होंने पाँच जगत में बांटा है। फाइव भाग में इन्होंने डिवाइड किया गया है, और इनका जो वर्गीकरण है वो काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। और बहुत ही ब्रीफ तरीके से इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सबकी बात की है। तो सबसे पहला इनका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, पांच भाग जो होते हैं वर्गीकृत किया गया है, मोनरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, प्लांटी जिसको बोलेंगे, और कवक फंजाई हैं, और एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले हम अगर मोनरा की बात करते हैं, तो इस जो मोनरा क्लासिफिकेशन है उसमें है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, जो भी बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, आर्किबैक्टीरिया हैं, सभी जो होते हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो बैक्टीरिया और स्पेशली प्रोकैरियोटिक, जरूर याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर तो होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ जो होता है मुंड्रा में पाए जाने वाले जो चीज़ है वो क्या है, मुंड्रा में जो भी जंतु पाए जा रहे हैं वो तो प्रोकैरियोटिक तो हैं ही, लेकिन प्रोकैरियोटिक के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं वो
सभी साइनोबैक्टीरिया हैं आपके, आर्किबैक्टीरिया हैं, ये सभी आपके मुंडा में शामिल किए जाते हैं। तो मुंडा में शामिल किए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, लेकिन कैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर है ये, यूनिसेलुलर तो है ही, लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है बैक्टीरिया को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मुंडा में डिवाइड करते हैं, लेकिन वही अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा भी जो होते हैं सभी जो होते हैं यूनिसेलुलर ही होते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में ऑलरेडी हम मुंडा में बोल रहे हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय तो होते ही हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। तो मुंडा और प्रोटिस्टा में एक मेन अंतर आप मान लीजिएगा कि मुंडा में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मुंडा वाले आपके प्रोकैरियोटिक होंगे, लेकिन प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जो यूनिसेलुलर हैं एक कोशिकीय जीव ही हैं, लेकिन ये सभी क्या है आपके प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक आपका पाया जाएगा किसमें, प्रोकैरियोटिक पाए जाएंगे आपके मुंडा में और प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक पाए जाएंगे। तो दोनों में मेन अंतर है, मुंडा प्रोकैरियोटिक और जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक है। दोनों यूनिसेलुलर है, मुंडा भी यूनिसेलुलर है और प्लांट और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय है, लेकिन जो मुंडा है उसमें प्रोकैरियोटिक है और जो प्रोटिस्टा है उसमें यूकैरियोटिक है। तो इतना दोनों में मेन अंतर यही माना जाता है, लेकिन इसमें जो होता है उसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, लेकिन आपके प्रोटिस्टा में जो है एक्वेटिक होते हैं, पादप और जंतु के बीच पाए जाने वाले जो युग्लिना होते हैं जो कनेक्टिव बिटवीन का काम करते हैं वो आपके प्रोटिस्टा में ही आए जाते हैं। युग्लिना जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में ही आते हैं। और उसके बाद हम प्लांटी की बात करते हैं, प्लांट जितने भी पाए जाते हैं इस जगह में प्रायः सभी जो कलरफुल है या मल्टी सेलुलर है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो सभी जीव आपके प्लांटी में शामिल किए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो प्लांट में पाए जाएंगे। उसके बाद इस जो आपके फंजाई हैं इसमें यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, देखिए इसमें यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक और ऐसे जीवधारी शामिल किए जाते हैं जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपना फूड ग्रहण करते हैं, और ये सभी जो होते हैं मृत जीवी होते हैं, और इनकी जो सेलवाल होता है जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। तो फंजाई जो होते हैं आपका यूकैरियोटिक हो जाएगा और दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे को हम फंजाई बोलते हैं। और उसके बाद एनिमल को तो आप जानते ही हैं, इस जगत में सभी जो होते हैं मल्टी सेलुलर जो होते हैं, होलोजोइक होते हैं, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं शामिल किए जाते हैं, और इन्हें हम जो एनिमल्स हैं इसमें मेटाजोआ भी कहते हैं, इसमें हाइड्रा, जेली फ्रीज, क्रीमी फीसेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवीज और मैमेलियंस जो होते हैं, सभी जो भी पेरस मैमेपेरस जो होते हैं सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो विटकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है, और इनका सबसे पहला हो गया मुंडा। तो मुंडा में जो होते हैं यूनिसेलुलर्स पाए जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया है, लेकिन यूनिसेलुलर वैसे यूनिसेलुलर होंगे जो प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक में मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में हम देखते हैं यूनिसेलुलर ही होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात वैसे जीव होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो आपका प्रोटिस्टा में आ जाएगा। और मुंडा में प्रोकैरियोटिक में जिसमें वैसे यूनिसेलुलर आएंगे जिसमें जो होता है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम प्लांटी में जानते हैं, ये प्रोड्यूसर जो होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो करते हैं उसे हम प्लांटी में रखते हैं, और फंजाई में वैसे जीवों को रखते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं और दूसरों पर आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम फंजाई बोलेंगे। और एनिमल्स में आप सभी जानते ही हैं कि ये सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, होलोजोइक होते हैं, और इसमें सभी तरीकों ये को रखा गया है। तो आज हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है एरिस्टोटल के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया दो भाग में, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं क्योंकि बहुत ब्रॉड तरीके से उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया था, उसके बाद इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद विटकर के द्वारा जो 1969 में जो क्लासिफिकेशन किया गया है बहुत ही रहा है, जिसमें पांच है, मुंडा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई और एनिमल। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।